तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिकॉज आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले शॉर्ट एंड लॉन्ग वीडियो का, किस बेस पर, तो रेवेन्यू बेस पर। एक इंडियन यूट्यूबर शॉर्ट वीडियो के वन की व्यूज पर कितना कमाता है, वहीं लॉन्ग वीडियो के वन की व्यूज पर कितना कमाता है, आइए इस वीडियो में जान ही लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो दोस्तों सबसे पहले मैं अपना बाइट स्टूडियो ओपन कर लेता हूं। अब यहां पर आपको जो करेंसी हो रही होगी वो डॉलर में हो रही होगी, मैं यहां पर इसको इंडियन रुपी में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो यहाँ पर हमारी जो करेंसी है वो इंडियन रुपी में कन्वर्ट हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ कि शॉर्ट वीडियो के बन की व्यूज पर कितना रेवेन्यू बनता है, कितना अर्न करती है एक शॉर्ट वीडियो जिस पर हमारे 1000 व्यूज आ जाते हैं तब। सो गाइस ये वो वीडियो है जिस पर बन की व्यूज आए हुए हैं। तो दोस्तों अब हम इसके एनालिटिक्स में चलते हैं एंड यहाँ पर रेवेन्यू में आते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे ओनली 53 पैसे इस वीडियो पर बने हैं, जो कि बहुत ही कम है। अब वहीं आपको लेकर चलते हैं लॉन्ग वीडियो पर जिस पर बन की व्यूज आए हुए हैं। तो यहाँ पर ये वीडियो इस पर 1200 व्यूज आए हुए हैं, इसके हम एनालिटिक्स में चलते हैं एंड यहाँ पर रेवेन्यू में आते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 286 रुपये इस वीडियो पर बन चुके हैं। अभी अगर हम कंपैरिजन करें शॉर्ट वीडियो के रेवेन्यू से, तो शॉर्ट वीडियो के 1000 व्यूज पर जो अर्निंग होती है ना, वो बिल्कुल चिल्लड़ है। तो अगर आप एक शॉर्ट क्रिएटर हैं और आपकी वीडियो पर मिलियन में व्यूज आ रहे हैं, तो आप एक स्पॉन्सर के थ्रू अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। अदरवाइज एक लॉन्ग वीडियो क्रिएटर बेटर है शॉर्ट वीडियो क्रिएटर से। आज की इस वीडियो में आपको इतना ही जानकारी देना था, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी।